छतरपुर की नक्सलियों और जवानों में मुठभेड़ हुई है। एक नक्सली ढेर हुआ है। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ में दो जवान घायल हुए हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले थे जवान। बामेर क्षेत्र के भट्टीगुड़ा के पास ये मुठभेड़ हुई है। बीजापुर में नक्सलियों और जवानों में मुठभेड़ हुई है। एक नक्सली ढेर हुआ है। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ में दो जवान घायल हुए हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन पर ये जवान निकले थे। बामेर क्षेत्र के भट्टीगुड़ा के पास मुठभेड़ हुई है। तो एंटी नक्सल ऑपरेशन पर जवान निकले थे, उसी दौरान एक नक्सली पकड़ा गया है। कई हथियार पकड़ाए गए हैं। बीजापुर में नक्सली और जवानों में मुठभेड़ हुई है। एक नक्सली ढेर हुआ है। भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। मुठभेड़ में दो जवान भी घायल हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए पवन दुर्गम जुड़ गए हैं। पवन, नक्सली ढेर भी हुआ है, कई हथियार भी बरामद हुए हैं, पूरी जानकारी? जी आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर पामेड थाना मौजूद है, जहां से पार्टी निकली थी। डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ की पार्टी थी, जिनकी मुठभेड़ हुई है नक्सलियों के साथ, जिसमें तलाशी में एक नक्सली का शव मिला है। वही मुठभेड़ में दो जो जवान है वो घायल हो गए हैं, और भारी मात्रा में वहां से जो असला बारूद है, पाइप बम है, वो बरामद हुए हैं। और दोनों जो जवान हैं उनको एयरलिफ्ट करके रायपुर ले जाने की तैयारी की जा रही है। जी, किस फिराक में थे नक्सली और कुछ पर्चियां वगैरह वहां से मिली हो? जी, भारी मात्रा में नक्सली सामग्री वहां मिली है, तो नक्सली जो जनरली यूज करते हैं वो सारे सामान वहां पे बरामद हुए हैं। जब पार्टियां वहां से लौट कर आएंगी और थाने पे जब सारी चीज को लाया जाएगा और रखा जाएगा, उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि कौन कौन सी और अन्य चीजें हैं जो बरामद हुई है, कि और किस तरीके की जो नक्सली साहित्य है या जो डायरी वो मेंटेन करते वो मिली हो, जिससे पुलिस को और सुराग मिल पाएगा। बहुत शुक्रिया पवन जानकारी को साझा करने के लिए। और